ओ हेलो कामवाली, क्या है ना आज मेरी कामवाली नहीं आई है, तो मेरे घर में बहुत काम इकट्ठा हुआ है। तुम यहाँ का काम खत्म कर लो, उसके बाद मेरे घर पे आके काम कर देना। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं कामवाली नहीं हूँ। ओ अच्छा, मैंने तुम्हें ऐसे काम करते हुए देखा तो मुझे लगा तुम कामवाली होगी। क्या है ना आज कामवाली आई नहीं है, तो घर में बहुत काम है, सोचा मोहल्ले में जाके किसी घर में कामवाली तो दिख ही जाएगी, तो उसे पकड़ के ले आऊंगी। लिसन, मैं जानती हूँ तुम कामवाली नहीं हो, पर तुम्हें घर के सारे काम करने तो आते हैं ना। क्या है मेरे घर में बहुत गंदगी पड़ी हुई है, 2 दिन से सफाई नहीं हुई है, बहुत कचरा है। अब ऐसे कचरे में मैं तो हाथ नहीं डाल सकती हूँ, और वैसे भी मुझे अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है, पर तुम जैसे लोगों को तो आदत होती है ना कचरे में हाथ डालने की और इसे साफ सफाई करने की। तो प्लीज मेरे घर पे आके काम कर दो ना, बदले में मैं तुम्हें 500-700 रुपए दे दूंगी। एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई एम वेल एजुकेटेड, आई एम डबल एमए ग्रेजुएट, आई एम नॉट इलिटरेट। वाह, ऐसे अनपढ़ गवार हो के सूट सलवार डाल के झाड़ू पोछा लगाते हुए अंग्रेजी झाड़ रही हो। कहाँ से सीखी अंग्रेजी? पक्का यूट्यूब से सीखी होगी। तुम्हें क्या लगता है अंग्रेजी की 2 लाइनें बोलोगी तो क्या तुम बहुत बड़ी हीरोइन बन जाओगी? देखो तुम जैसे लोगों का ना मैं स्टैंडर्ड अच्छे से जानती हूँ। हम जैसे लड़कियां होती है मॉडर्न, और तुम जैसी लड़कियां होती है हाउसवाइफ टाइप की, घरेलू टाइप, जो घर के काम काज करती है। अगर तुम्हें पैसे कम लग रहे तो मैं पैसे ज्यादा दे दूंगी। पैसे भी मैं जानती हूँ, तुम जैसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए किसी के भी घर जाकर काम कर लूंगी? ऑब्वियसली, अगर पैसों की दिक्कत ना होती तो क्या इतने बड़े घर में खुद सफाई कर रही होती, मेड ना रखी होती? अब ऑब्वियसली बात है कि पैसों की दिक्कत है, इसलिए तो नौकरानी जैसे खुद काम कर रही हो तुम। देखो मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज घर पे आके काम कर दो, साथ में फ्री का खाना भी खा लेना। देखिए अब ना आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, इतनी देर से आप मुझे इतना सब कुछ सुनाए जा रही है, मैं आपको कुछ कह नहीं रही हूँ तो आप बोले जा रही है। जब मैं आपको कह चुकी हूँ मैं काम वाली नहीं हूँ, मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ, तो इसमें क्या ही गलत है? और आपको बता दूँ, अपने ही घर में सफाई करने से ना कोई गवार साबित नहीं होता है। वैसे आपके घर में जो काम वाली आती है, क्या नाम है उसका? कविता। कविता, वही कविता ना हमारे घर भी काम करने आती है, लेकिन 3-4 दिन से वो अपने गांव गई हुई है, इसलिए वो काम पर नहीं आ पा रही। तो घर में गंदगी थी तो मैं सफाई कर रही हूँ, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, अपने ही घर को साफ सुथरा रखना ये हमारा फर्ज है, बल्कि मैं तो कहती हूँ आपको भी कर लेना चाहिए, शरीर थोड़ा तंदुरुस्त रहता है। ओ हेलो, फिटनेस के लिए ना मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ है, मुझे एक घटिया काम करने की जरूरत नहीं है घर के, समझी? क्या बात है, फिटनेस के लिए आप जिम में पैसे देकर वहां जाकर मजदूरी कर रही हैं, लेकिन अपने ही घर में आपसे साफ सफाई नहीं हो रही, क्योंकि वो एक काम है। हद हो गई है, क्या सोच है आपकी? देखो मेरे सामने खड़े होके ना मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें काम नहीं करना है मत करो, लेकिन मुझे यहाँ पर खड़े होकर ज्ञान मत दो, समझी? वैसे भी तुम्हारे जैसे अनपढ़ गवार लोगों के ना मुंह नहीं लगती हूँ मैं। इतनी देर से आप मुझे क्या अनपढ़ गवार बोले जा रही है? आपका दिमाग तो ठीक है ना? आपको क्या लगता है मैं अनपढ़ गवार हूँ? मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं इस शहर की जिला कलेक्टर हूँ। क्या, जिला कलेक्टर? जी हाँ, जिला कलेक्टर। वैसे कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? नारियन पब्लिक स्कूल। उस स्कूल के प्रिंसिपल से अच्छी जान पहचान है मेरी, स्पेशली जाऊंगी उस स्कूल में और वहाँ के प्रिंसिपल को समझा कर आऊंगी कि आपके बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे, कि छोटे और बड़े में भेदभाव ना करें, हर एक काम को इक्वल समझे, क्योंकि आप तो समझ नहीं पा रही हैं, और जब आप नहीं समझ पा रही तो अपने बच्चों को आप कहाँ ही समझा पाएंगी। मैम ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और बार बार फोन आ रहे हैं, चले? हाँ तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं बस आ रही हूँ घर को लॉक लगाकर। हाँ जी कहाँ थे हम? हाँ आपके बच्चों पर। तो आपके बच्चों को इस बात की शिक्षा देना ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो कि आपको लगता है कि घर का काम करना छोटा है और वो एक गवार इंसान ही करता है जिसे किसी चीज की समझ नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो बेवकूफ है, पर ऐसा नहीं है। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी अपने घर का काम खुद ही करते हैं आज के टाइम में, और मैं तो कहती हूँ करना भी चाहिए। खैर मुझे नहीं लगता आप ये बात और समझ पाएंगी, इसलिए आपको समझाने में कोई फायदा नहीं है, तो आप प्लीज जाइए यहाँ से और दोबारा कभी मेरे घर के आसपास नजर मत आ जाइएगा। वैसे कमाल की बात है ना, हम दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही स्टैंडर्ड है हमारा, पर सोच कितनी अलग अलग है ना। खैर आप जा सकती हैं यहाँ से, और हो सकेगा ना तो दोबारा कभी मेरे घर के आसपास नजर मत आ जाइएगा, प्लीज जाइए। अब सुनिए, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको ऐसे डिसरिस्पेक्ट किया। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि ऐसे सूट सलवार डाल के ऐसे घर के काम करने वाली औरतें अनपढ़ गवारी होती हैं, पर आपने मेरी सोच बदल दी। मैंने आपको कितना मिसजज किया है, आई एम वेरी सॉरी।
आप सही कह रहे हो, जिम में जाके पैसे भर के मेहनत करने से अच्छा है इंसान अपने घर के काम कर ले, उसमें भी कितना वर्कआउट हो जाता है। आगे से मैं घर के काम में खुद ही किया करूंगी, मैं आगे से कभी किसी को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। शर्ली सॉरी। इट्स ओके, नाउ यू कैन लीव।